The chapter is definite integration. The chapter is definite integration. So exercise 6.1, page number 145. ये integration का revision होने वाला है इसमें. We are going to revise a lot of concepts which are from integration. Okay, क्या हो गया? जल्दी बोलो. Okay, 6.1, page number 145, question number 1. Okay. 9, 4, 1 upon root x dx. Integration chapter का revision होने वाला है. Okay. वो सब आंसर मैं नहीं करूंगा हेत, प्लीज वो सब मत पूछो. या सो नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ऊपर है इसको बोलते हैं अपर लिमिट, और ये जो 4 नीचे है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट. ऊपर वाले को अपर लिमिट, नीचे वाले को लोअर लिमिट, ठीक है? इतना समझा तुम लोग को? ऊपर वाले को अपर लिमिट, नीचे वाले को लोअर लिमिट. फाइन. सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन x रेज टू हाफ dx, 9 और 4. ओके, 9 और 4 x रेज टू माइनस हाफ dx. ओके, ये ऐसा प्रॉब्लम तो इंटीग्रेशन में भी आ सकता है ना. ऐसा प्रॉब्लम अपर लिमिट लोअर लिमिट के बिना इंटीग्रेशन में भी आ सकता है. तो इट्स अ रिवीजन, इट्स अ काइंड ऑफ रिवीजन ऑफ इंटीग्रेशन. इसके लिए बराबर से ध्यान दो. ओके, 90% प्रॉब्लम ये इंटीग्रेशन का ही रहेगा. x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, वेरी गुड. x रेज टू n का फॉर्मूला है. चलो जल्दी कॉपी करो ये, प्लीज कॉपी दिस एवरीवन. ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज x रेज टू माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1. अभी यहाँ पे एक बॉक्स ब्रैकेट डालने का, पुट अ बॉक्स ब्रैकेट, और ऊपर अपर लिमिट नीचे लोअर लिमिट. डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर में प्लस सी नहीं रहेगा. डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर में प्लस सी नहीं है. ओके, सो डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर में प्लस सी नहीं है. सो एक्स रेज टू हाफ अपॉन हाफ, अपर लिमिट लोअर लिमिट. ओके, ये 2 जाएगा ऊपर. ओके, और एक्स रेज टू हाफ को मैं क्या लिख सकता हूँ? व्हाट कैन आई राइट एक्स रेज टू हाफ एक्स? रूट एक्स, करेक्ट, परफेक्ट. ओके, बॉक्स 9 और नीचे 4, ठीक है? इसको मैं आगे और सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, वैसे तो कर भी नहीं सकते, लेकिन करूंगा भी नहीं, ठीक है? वी कैन नॉट सिंप्लीफाई दिस फर्दर. इसके बाद में लिखने का बॉक्स माइनस बॉक्स, इसके बाद में लिखने का बॉक्स माइनस बॉक्स. ओके, एक्स को एनसर्कल करो, एक्स को पेंसिल से एनसर्कल करो. अभी बॉक्स के अंदर क्या लिखने का मालूम है? वेर एवर देर इज एक्स इन साइड द बॉक्स, वेर एवर देर इज एक्स, फर्स्ट पुट द अपर लिमिट. पहले अपर लिमिट डाल दो, एंड वेर एवर देर इज एक्स देन पुट द लोअर लिमिट. पुट द अपर लिमिट एंड पुट द लोअर लिमिट. Wherever there is x, put the upper limit. Wherever there is x, put the lower limit. और box, दोनों boxes के बीच में minus sign ही रहेगा. It is as per the rule.
ठीक है, और रूट का हम लोग पॉजिटिव आंसर ही लेंगे, विल नॉट टेक द नेगेटिव आंसर्स. सिलेबस में दे आर आस्किंग यू ओनली टू टेक द पॉजिटिव आंसर्स फॉर द रूट इन दिस चैप्टर. इन दिस चैप्टर ऐसा बॉक्स माइनस बॉक्स करेंगे तो जहां पर भी रूट आएगा तो पॉजिटिव आंसर ले लो. सो दिस विल बी 2 × 3 − 2 × 2 6 − 4 which is equal to 2. Have you understood this? ओके तो आपको समझा अपर लिमिट और लोअर लिमिट में क्या करने का क्या. ये जब भी हम लोग फाइनल आंसर निकालते हैं तो उसमें एक्स के जगह पे पहले कौन आता है, पहले एक्स के जगह पे कौन आता है, अपर लिमिट के लोअर लिमिट, अपर लिमिट. बाद में दूसरे बॉक्स में एक्स के जगह पे कौन आता है, लोअर लिमिट. अपर लिमिट लोअर लिमिट का उतना ही काम है बस. यस संस्कार, फाइनल आंसर में अपने को एक्स ऐसा कोई आंसर नहीं आ रहा है. देखो अपने को प्रॉपर नंबर आ रहा है, नंबर फ्रैक्शन डेसिमल कुछ भी आ सकता है, लेकिन एक्स नहीं आएगा वापस. ओके तो ये आपका ऑब्जर्वेशन एकदम बराबर है. ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2. जिसको ये प्रॉब्लम नहीं समझा, यू हैव टू कीप पेशेंस. क्वेश्चन नंबर 2 समझ के लो, सब कुछ बराबर से समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन 1/(x+5dx) 3 − 2. व्हाट इज द अपर लिमिट? 3. व्हाट इज द लोअर लिमिट? −2. ओके आई विल कंपेयर दिस विद विच फॉर्मूला, कौन से फॉर्मूला के साथ कंपेयर करूंगा मैं इंटीग्रेशन में कौन से फॉर्मूला के साथ कंपेयर करूंगा? 1/(x) करेक्ट. आई विल कंपेयर दिस विद 1/(x). ठीक है, सो 1/(x) का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर 1/(x) इन इंटीग्रेशन? log mod x. सो 1/(x+5) का आंसर क्या है? 1/(x+5) का log mod x+5. करेक्ट, log modulus x+5/dydx of x+5 चलेगा? बराबर है क्या? बराबर है. ओके सो यू गाइस टेल मी, प्लस सी आएगा क्या इसमें? जब ये अपर लिमिट लोअर लिमिट रहता है तो प्लस सी आता है क्या? नहीं आता है. तो इसको हम लोग एक अच्छा सा बॉक्स ब्रैकेट में डाल देते हैं. ओके राइट नीटली क्लियरली, राइट बिग इनफ, छोटा छोटा मत लिखो. ओके आप लोग मुझे बोलो इसका डेरिवेटिव क्या है x+5 का? 1. तो उसको नेक्स्ट स्टेप में लिखने का जरूरत है. नो ठीक है, सो शुड आई गो टू द नेक्स्ट स्टेप नाउ? सब लोग बोलो. ओके सो यहां पे आई राइट log mod x+5 बॉक्स ब्रैकेट अपर लिमिट लोअर लिमिट. क्या मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? कैन आई सिंप्लीफाई दिस फर्दर? बॉक्स ब्रैकेट के अंदर कैन आई सिंप्लीफाई दिस? नो. ओके जियोन इतना समझा क्या तेरे को? हैव यू अंडरस्टूड दिस मच?
जियो। ओके अभी देख क्या है, आफ्टर दिस विल राइट बॉक्स माइनस बॉक्स, बॉक्स माइनस बॉक्स। ये थोड़ा मैंने बड़ा क्यों बनाया बॉक्स अभी, कोई बताएगा मेरे को? आई एम आस्किंग अ वेरी सिली थिंग, बट देन व्हाई हैव आई मेड इट बिग? क्योंकि अंदर का टर्म बड़ा है, अंदर का टर्म बड़ा है ना, अंदर जो है बॉक्स के अंदर जो है वो चीज बड़ा है, इसके लिए ये बॉक्स भी बड़ा लिखा है। ऐसा ऐसा छोटा छोटा बॉक्स माइनस बॉक्स मत करो। ओके इसके अंदर तो कोई चिट्ठी भी नहीं जाएगी, राइट? सो राइट इट बिग। या अभी देखो, एक्स को पेंसिल से हाईलाइट करो, एक्स को पेंसिल से हाईलाइट करो। इट माइट साउंड सिली बट देन यू हैव टू डू इट। या अभी मैं यहाँ पे पूरा वही चीज लिखूंगा, आई राइट एंटायर एंटायर थिंग सेम, लेकिन एक्स के जगह पे क्या लिखूंगा मैं, एक्स के जगह पे क्या लिखूंगा? अपर लिमिट, दैट इज 3। यस जियो, समझा क्या? हैव यू अंडरस्टूड दिस? देन दिस इज नॉट 51, दिस इज मॉड्यूलस। ठीक है, वंस अगेन आई विल राइट द सेम थिंग, वंस अगेन आई विल राइट द सेम थिंग, बट देन एक्स के जगह पे क्या लिखूंगा मैं? व्हाट एम आई गोइंग टू राइट इन प्लेस ऑफ एक्स? माइनस 2। ओके बराबर है, बराबर है कि गलत है? गलत है ना, क्योंकि -2 + 5 कौन लिखेगा? बॉक्स के अंदर देखो, सिर्फ एक्स के जगह पे जो है वो रिप्लेस करने का है, बाकी पूरा चीज तो सेम ही रहेगा ना। सो दिस इज log 8 माइनस log 3, विच इज इक्वल टू log 8/3, विच इज इक्वल टू log 8/3। अंडरस्टूड? अरे सानिया जी, आप क्यों बार बार वही चीज पूछ रहे हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपर लिमिट लोअर लिमिट? गाइस हैव यू अंडरस्टूड अपर लिमिट और लोअर लिमिट का यूज क्या है यहाँ पे? बॉक्स में सबसे पहला एक्स के जगह पे अपर लिमिट आता है, ओके? दूसरा बॉक्स में एक्स के जगह पे लोअर लिमिट आता है, और मैं सिंपल क्या बताऊंगा? व्हाट शुड आई टेल? व्हाट यू वांट मी टू टेल मोर? मैं और कुछ कहानी बना के तो नहीं बता सकता हूं ना मैं आपको? उसका यूज समझा, खत्म हो गया ना बात? एंड मेनी मेनी गाइज आर नॉट अवेयर ऑफ दिस नाउ, आई डोंट नो हाउ। लॉग ए माइनस लॉग बी, क्या होता है लॉग ए माइनस लॉग बी? ये किया है ना हम लोगों ने, ऐसे क्या कर रहे हो? फिर डेरिवेटिव्स का पढ़ाई भूल गए क्या, या फिर किया ही नहीं रहेगा तुम लोगों ने? अंडरस्टूड? क्या इसको हम लोग log 5 लिख सकते हो? कैन वी राइट दिस इज log 5? ऐसा कुछ है ही नहीं। ओके जियोन, यू आर आस्किंग ना कि समझ में नहीं आया, लेकिन अभी अभी आर द थिंग्स क्लियर फॉर यू? थोड़ा बहुत ठीक है, लेट्स गो टू फोर्थ प्रॉब्लम, लेट्स गो टू फोर्थ प्रॉब्लम। वन सेकेंड, एक बार फोर्थ प्रॉब्लम को देखो। आई जस्ट नीड टू वाइप माई स्क्रीन, आई एम नॉट एबल टू राइट। एक सेकेंड,
ओके, आर यू टेकिंग अ लुक एट द फोर्थ प्रॉब्लम? सोच सकते हो क्या करना है? ओके, टॉफी, थोड़ा सा आपको ये प्रॉब्लम परेशान करेगा क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा इंटीग्रेशन जैसा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है, स्टार्टिंग में जो तुम लोग ने स्कूल लेवल में सीखा है वो ही है इंटीग्रेशन। आधे जन को डिफिकल्ट इसके लिए लगता है क्योंकि स्कूल का मैथमेटिक्स किसका बराबर नहीं रहता है। ओके, फॉरगेट अबाउट द अपर लिमिट लोअर लिमिट। अभी क्या करने का, अपर लिमिट लोअर लिमिट स्टार्टिंग में कुछ उससे लेना देना नहीं है। ओके, सो वी आर गोइंग टू राइट दिस वेरी यू नो क्लियरली नाउ। बोलो। समझ में आया? ओके, रूट एक्स को मैंने एक्स रेस टू हाफ लिखा। ओके, अभी तो स्प्लिट करना ही पड़ेगा, न्यूमरेटर को स्प्लिट करना ही पड़ेगा। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेज टू हाफ, 3x अपॉन एक्स रेज टू हाफ, 2 अपॉन एक्स रेज टू हाफ। शुड आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? ये तो खुद से भी लिख सकते हो तुम लोग, मेरा जरूरत ही नहीं आप लोग को। सो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेज टू हाफ प्लस 3x रेज टू 1 अपॉन एक्स रेज टू हाफ प्लस 2 अपॉन एक्स रेज टू हाफ। क्लियर है क्या? 0 एंड 1, 0 एंड 1। ए रेज टू एम, ए रेज टू एन। कैन वी टेक न्यूमरेटर आउटसाइड एंड मेक इट 1/2 रूट? ये क्या है? नहीं, ये कुछ भी मत अप्लाई करो हमें। व्हाट आर यू सेइंग इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। ओके, सो सब जगह पे यहाँ पे लॉज ऑफ इंडाइसेस आएगा। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थर्ड प्लेस पे क्या करना पड़ेगा, व्हाट आर वी सपोज टू डू ओवर हियर? यहाँ पे येलो कलर का चीज पे क्या करना पड़ेगा? टू आउट तो बाद में, वो तो बाद में, कॉन्स्टेंट्स आउट तो बाद में, डोंट थिंक अबाउट कॉन्स्टेंट्स एज ऑफ नाउ। फर्स्ट टेल मी व्हाट आर वी सपोज टू डू ओवर हियर। टू आउट ऐसे कैसे टू आउट जाएगा बाहर? टू तो आउट वो हम लोग बाद में देख लेंगे। अभी किया ना प्रीवियस प्रॉब्लम में, फर्स्ट प्रॉब्लम में अभी तो किया था हम लोगों ने। क्या रे बाबा तुम लोग, एक्स रेज टू हाफ अगर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? आज का दिन का फर्स्ट प्रॉब्लम है वो, एक्स रेज टू माइनस हाफ बनेगा ना। ओके, सो टू माइनस हाफ, टू माइनस हाफ कितना होता है? एक्स रेज टू टू माइनस एक्स रेज टू हाफ, टू माइनस हाफ कितना होता है? थ्री बाय टू प्लस 3x रेज टू 1 माइनस हाफ इज हाफ प्लस 2 रेज टू एक्स माइनस हाफ। सी सी गाइज, यू हैव टू प्रोसीड वेरी सिस्टमेटिकली। अगर आप लोग पहले ही ये 3 और 2 बाहर लेने के बारे में सोच रहे हो, देन आई थिंक तुम लोग को सिस्टमेटिकली जाना बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग से तुम लोग शॉर्टकट्स लेना मत सीखो, डोंट डू दैट प्लीज। मैं ऐसा सिखाता भी नहीं हूं। इवन इफ आई हैव टू राइट टू मोर स्टेप्स, मैं हमेशा आपको लिख के बताता हूँ, है कि नहीं, और एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो तुम लोग ने तो अभी अभी सीखा है, तो डोंट डोंट एवर थिंक ऑफ टेकिंग शॉर्टकट्स, अदरवाइज दिस चैप्टर विल ट्रबल यू, एंटायर मैथ्स विल ट्रबल यू आई शुड से। ओके, अभी बोलो। अभी बोलो, इंडिविजुअल इंटीग्रेशन,
इंडिविजुअल इंटीग्रेशन. ओके वी आर गोइंग टू प्ले विद अ लॉट ऑफ ब्रैकेट्स नाउ, बहुत सारा ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करने वाले, बी केयरफुल. x raised to 3 by 2 plus integration of 3x raised to half. I am not in a hurry to, you know, you so that I can use any shortcuts. I am writing all the steps. I don't want to go wrong. अगर मैं wrong जाऊंगा तो आप लोग wrong सीखोगे फिर. So x raised to 3 by 2 plus 1 upon 3 by 2 plus 1. बॉक्स ब्रैकेट अपर लिमिट लोअर लिमिट थ्री आउटसाइड इंटीग्रेशन एक्स रेज टू हाफ जीरो एंड वन प्लस टू आउटसाइड इंटीग्रेशन एक्स रेज टू माइनस हाफ जीरो एंड वन. चलो समझ में आया क्या आप लोग को? दो स्टेप्स के बीच में थोड़ा लाइन छोड़ देना प्लीज. ये दोनों जगह पे वापस x रेज टू आएगा, लेकिन संभल के, एक हाफ है एक माइनस हाफ है, सो बी वेरी केयरफुल. ओके आई विल राइट द नेक्स्ट स्टेप नाउ. x रेज टू 5 बाय 2 अपॉन 5 बाय 2 वन एंड जीरो प्लस 3 x रेज टू हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 वन एंड जीरो प्लस टू एक्स रेज टू माइनस हाफ प्लस वन माइनस हाफ प्लस वन वन एंड जीरो. आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस. ये देखो जल्दी कॉपी करो. ये देखो जल्दी. हो गया ये. ये हो गया सब लोग का. What about this? Okay, देखो अभी 2 by 5 x raised to 5 by 2 1 and 0 3 x raised to 3 by 2 upon 3 by 2 1 and 0 x raised to half upon half 1 and 0. क्लियर है? कॉपी करो. चलो
अभी सबसे पहली बात, समवन इज आस्किंग मी कैन वी कैंसिल दिस 2 एंड 2, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. वो 2 कैंसिल कैसे होगा, नीचे 2 थोड़ी ना, ऊपर 2 है. व्हाट विल डू इंस्टेड इज विल टेक दिस 2 ऊपर, 2 को हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, ये 2 को भी और ये 2 को भी ऊपर लेके जाते हैं. ओके और यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स माइनस बॉक्स. फर्स्ट ब्रैकेट के लिए बॉक्स माइनस बॉक्स, इज दैट ओके? हाँ, उसके पहले एक काम करते हैं, उसके पहले लेट्स टेक द 2/5 आउटसाइड द बॉक्स ब्रैकेट. ये कॉन्स्टेंट है ना, इसको थोड़ा बाहर हम लोग लेके जाते हैं. ओके सो 2/5 एक्स रेस टू 5/2 1 and 0. ओके सो ये 2 को ये 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं. ओके बट देन प्रायर टू दैट कैन आई कैंसिल दिस 3 एंड दिस 3, ये वैलिड है क्या? क्या ये वैलिड है? ये वैलिड है, एब्सोल्युटली वैलिड है. ओके और उसके साथ साथ ये 2 को क्या करूंगा, ये ब्लू कलर का जो 2 है इसको क्या करूंगा, मैं ऊपर लेके जाऊंगा. बॉक्स के अंदर लिखना है कि बॉक्स के बाहर लिखना है, कि कहीं पर भी चलेगा? बॉक्स के अंदर की बॉक्स के बाहर, कहीं पर भी चलेगा? आप बोलो. ऐसे तो कहीं पर भी चलेगा, बॉक्स के अंदर भी चलेगा, बॉक्स के बाहर भी चलेगा, लेकिन दैट 2 इज अ कॉन्स्टेंट. वो 2 कॉन्स्टेंट है, इसके लिए उसको कहां लिखता हूं मैं, बॉक्स के बाहर लिखता हूं. दैट इज ओके. सो प्लस 2 एक्स रेस टू 3/2 1 and 0, एक्स रेस टू 3/2 1 and 0. ओके ये 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूं मैं, शुड आई? सो 4 एक्स रेस टू 1/2 प्लस 4 एक्स रेस टू 1/2 1 and 0. ठीक है, सब क्लियर है? अभी देखो ब्रैकेट्स का प्लेसमेंट, देखो अभी ब्रैकेट्स का प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट्स पुट अ कर्ली ब्रैकेट फर्स्ट, फिर बॉक्स माइनस बॉक्स. ओके प्लस 2 कर्ली ब्रैकेट बॉक्स माइनस बॉक्स प्लस व्हाट, प्लस 4 कर्ली ब्रैकेट बॉक्स माइनस बॉक्स. अरेंजमेंट समझा गया तुम लोग को? हैव यू अंडरस्टूड द अरेंजमेंट? नाउ आई एम गोइंग टू फिल अप दिस, नाउ आई एम गोइंग टू फिल अप दिस. एक्स के जगह पे क्या आएगा बोलो? हम लोग पहले वाले क्या बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. एक्स के जगह पे 1, सो 1 raised to 5/2 माइनस, एनीवन? माइनस सेम रेड कलर का बॉक्स का बात चल रहा है, माइनस 0 raised to 5/2 एक्स के जगह पे 0. क्लियर है क्या? समझा कि नहीं समझा? ओके नाउ द नेक्स्ट बॉक्स, (1:3/2 - 0:3/2) चलो समझा कि नहीं समझा? हैव यू अंडरस्टूड दिस? देन द ग्रीन कलर वन, (1:0 - 0:3/2) ठीक है. व्हाट इज 1 raised to एनीथिंग? 1. व्हाट इज 0 raised to एनीथिंग? 0. 0 का 0 raised to 1 0, 0 raised to 2 का मतलब क्या है, 0 raised to 2 का मतलब है 0 into 0 which is 0, 0 cube क्या रहता है, 0 into 0 into 0,
सो जीरो रेस टू एनी पावर, जीरो रेस टू एनी नॉन जीरो पावर आई शुड से इज ऑलवेज जीरो. ओके सो मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो आई डोंट नो वेदर यू विल अंडरस्टैंड दिस और नॉट. प्लस टू वन माइनस जीरो, प्लस फोर वन माइनस जीरो, समझा क्या? वन रेस टू एनी पावर इज वन एंड जीरो रेस टू एनी नॉन जीरो पावर इज ऑल्सो जीरो. वन रेस टू एनी पावर इज वन, जीरो रेस टू एनी नॉन जीरो पावर इज जीरो. जीरो रेस टू जीरो जनरली नॉट डिटरमाइंड, इनडेफिनेट फॉर्म बोलते हैं उसको, इनडिटरमाइंड इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं उसको. तो वो सब डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि जीरो रेस टू नॉन जीरो पावर में बोल रहा हूँ. आई एम यूजिंग दोज वर्ड्स वेरी केयरफुली. बाकी बाकी और डिटेल में जाने का रहेगा देन यू कैन यू नो रेफर सम 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 रेफरेंस बुक्स, आप लोग रेफर कर सकते हो, लेकिन अभी से ये सब मत करना, एग्जाम के बाद करना, ठीक है? सो कैन आई राइट दिस एज 2 by 5 प्लस टू प्लस फोर, 2 by 5 प्लस टू प्लस फोर, ऐसे लिख सकते हो क्या? 2 by 5 प्लस टू प्लस फोर विच इज इक्वल टू 32 by 5. डेसिमल नहीं निकालोगे तो भी चलेगा, मैथमेटिक्स वन में डेसिमल नहीं निकालोगे तो भी चलेगा, सिर्फ सिर्फ रिड्यूस करके रख देने का. अभी 32 by 5 को रिड्यूस नहीं कर सकते ना. सो वेदांगी इट्स ओके इफ यू डोंट डिवाइड इट. ओके चलो, हो गया क्या ये? आर यू डन विद दिस? ब्रैकेट का क्या हो गया? अरे मेरे भाई, वन माइनस जीरो क्या रहता है? वन, 1 into 2 by 5 कितना? 2 by 5. तो ये सब मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा अभी? आई थॉट कि तुम लोग को आ जाएगा ये. हेट, ये देखो जल्दी जल्दी. फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड, फिफ्थ स्लाइड, ठीक है? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम. एक फीडबैक दो प्लीज, प्लीज गिव मी अ फीडबैक अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस. ओके ठीक है. अभी अभी थोड़ा सा टाइम, थोड़ा टाइम के लिए कुछ लिखना मत. मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, कुछ लिखना मत, पहले समझ के लो. इंटीग्रेशन का एक
सिचुएशन में आपको बताता हूँ, डोंट राइट दिस, बाद में चैट के ऊपर कोई डालेगा नहीं ये लिखने का है वो लिखने का है, डोंट राइट, नहीं लिखने का तो मत लिखो. ओके जस्ट लिसन, आई वॉन्ट यू टू थिंक एंड गिव मी सम आंसर्स. 1 upon x square plus 6x plus 5 dx. ओके इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, क्योंकि ऊपर वन कॉन्स्टेंट है, चलेगा चलेगा क्या? अभी एक स्टूडेंट ने मेरे को पूछा लास्ट ईयर कि सर इसको हम लोग ने ऐसा किया, इसको फैक्टराइज करके ऐसा लिखा तो चलेगा क्या? मैंने बोला चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, आप लोग बोलो चलेगा क्या? फिर आगे जाके वो स्टूडेंट ने मेरे को ये भी पूछा क्यों नहीं चलेगा भाई, वन सेकेंड मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है, 5x plus 6, हाँ सॉरी, सो x square plus 5x plus 6. ओके अभी बोलो चलेगा क्या फैक्टराइज करके? ओके तो एक स्टूडेंट ने, स्टूडेंट नंबर वन ने, उसने ऐसा नहीं किया, उसने सीधा हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स से सॉल्व किया यहाँ पे. स्टूडेंट नंबर टू ने क्या किया, उसने ऐसा किया और इसके आगे उसने ना पीएफ टाइप वन से किया, चलेगा क्या? चलेगा कि नहीं चलेगा? देखो डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज जीरो क्योंकि एक्स है ही नहीं, डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर इज टू, डिग्री इज लेस, ऊपर ऊपर एक्स है ही नहीं, मतलब एक्स का डिग्री जीरो है, ये वन क्या रहता है, एक्स रेस टू जीरो रहता है ना. ओके सो आर बोथ द मेथड्स एप्लीकेबल, आर बोथ द मेथड्स एप्लीकेबल? यस. चलो ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो मैं चीज आपको पूछ रहा हूं, ये किसको नहीं समझा कि सर क्या बोल रहे हैं ये सब? मनीष भाई ये देखो, इसको अगर हाफ आपने पहले इंटीग्रेशन किया है क्या, आपको आपको समझ में आया इंटीग्रेशन, थोड़ा बहुत रिवाइज विवाइज किया है? ओके वेरी गुड. इसको मैंने हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, फिर 5/2 the whole square, 5 minus 5/2 the whole square, वो मेथड से सॉल्व किया तो चलेगा? यस, क्योंकि ऊपर वन है, कॉन्स्टेंट है इसके लिए, तो वो मेथड भी चलेगा. लेकिन अगर आपने इसको फैक्टराइज किया, इसको फैक्टराइज किया और लिखा x plus 2 x plus 3, फैक्टराइजेशन अगर आप सब लोग को आता है तो. ओके और फैक्टराइजेशन करने के बाद में अगर आपने पीएफ टाइप वन से किया, अभी पीएफ टाइप वन पूछो मत कि क्या है सर पीएफ टाइप वन, पूरा एक लेक्चर 1.5 hours मैंने उसके ऊपर डेडिकेट किया. ओके तो वो चलेगा क्या? यस चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? तो दोनों मेथड्स वैलिड है, दोनों मेथड्स वैलिड है, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए. ठीक है अभी मैं और एक सिचुएशन आपको बता देता हूँ, वन मोर थिंग, अभी सोच के आंसर देना. x square plus 5x plus 7. ओके कैन आई सॉल्व दिस यूजिंग हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स? यस ऑब्वियसली वी कैन सॉल्व इट यूजिंग हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. ओके बट देन कैन आई फैक्टराइज दिस, इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ क्या? यस, सम स्टूडेंट्स आर सेइंग यस, तो करके बताओ, फैक्टराइज कर सकते हैं तो फिर करके बताओ, मैं रुकता हूँ आपके लिए. आई डोंट थिंक सो वी कैन फैक्टराइज दिस, ऐसा कुछ आने का चांस है क्या? दो ब्रैकेट्स आने का चांस तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता है. ठीक है सो कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग पीएफ टाइप वन? नो नहीं कर सकते. फिर इधर अपने को वो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ही करना पड़ेगा, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ही करना पड़ेगा. ठीक है आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट विच आई वॉज डिस्कसिंग, मैं क्या कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, आई होप यू अंडरस्टूड दैट एवरीवन. यस जेबी स्टूडेंट्स, जेबी नगर, डीएन नगर,
आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे ओवर हियर? जेबीडीएन, जेबीडीएन, विक्रोली, घटकोबर, टेक्सुअल नहीं, संस्कार. यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड की व्हाट आई वाज आस्किंग. ये किधर है, क्या है, वो सब जाने दो. वी हैव नथिंग टू डू विद दैट. इट इज ओनली अबाउट बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट. मैंने ऑलरेडी बोला है दोनों मेथड्स में आंसर सेम आएगा. ओके मुलुंड स्टूडेंट्स, वरुण धवन किधर है तू? कृतिका, कशिश, आकांक्षा, यस यस, निखिल यू आर ऑलवेज देयर, डोंट वरी. आपका तो चैट हमेशा राइट आता रहता है. गाइस यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. जेबी नगर, घाटकोपर, ओके. सो विद दैट बेसिक लेट अस प्रोसीड विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर सिक्स. क्वेश्चन नंबर सिक्स, इंटीग्रेशन 2 1/(x²+6x+5). यहाँ पे दोनों मेथड्स वैलिड है. ओके, फैक्टराइज करके पीएफ टाइप वन भी कर सकते हो या फिर हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स देखो, 3² कांस्टेंट के पहले, 3² कांस्टेंट के बाद में -3². अंडरस्टूड? ये तो सिखाने का जरूरत नहीं, तो इंटीग्रेशन में था तुम लोग को. डू आई नीड टू एक्सप्लेन दिस? ओके, फर्स्ट थ्री टर्म्स एंड द लास्ट टू टर्म्स. ओके, फर्स्ट थ्री टर्म्स एंड द लास्ट टू टर्म्स. सो I इज इक्वल टू 1/(x+3) दी होल स्क्वायर. बराबर है क्या? x plus 3 दी होल स्क्वायर. लास्ट टू टर्म्स +5 -9 कितना होता है? -4. -4 लिखना भूलना मत प्लीज. इट इज -4 not +4. ठीक है, -2² सो दिस इज x एंड दिस इज a. x एंड a, 1/(x²-a²). ओके, फॉर्मूला है 1/2a log mod x-a/(x+a). यहाँ पे मैं थोड़ा अपर लिमिट लोअर लिमिट लिखना भूल गया. 2 1 2 1 चलेगा क्या? एंड राइट, लेट्स राइट ओवर हियर 2 1, विल नॉट राइट प्लस सी. आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड टिल हियर. यहाँ पे यहाँ तक सब लोग को क्लियर है. थोड़ा सा रिवाइज भी हो रहा है. देखो इंटीग्रेशन,
शुड आई प्रोसीड? ओके, एक्स के जगह पे क्या आएगा? एक्स के जगह पे, एक्स के जगह पे क्या आएगा? एक्स प्लस थ्री। एक्स के जगह पे टू आएगा। सब पकड़ के मारूंगा ना अभी। एक्स के जगह पे एक्स प्लस थ्री आएगा ना? ओके, एक्स के जगह पे अगर एक्स प्लस थ्री आएगा, इज एक्स प्लस थ्री लीनियर अलजेब्रिक? इज एक्स प्लस थ्री लीनियर अलजेब्रिक? ओके, तो चेन रूल तो आएगा। ए के जगह पे क्या आएगा? ए के जगह पे टू। ए के जगह पे टू आएगा आयुषी, फोर नहीं आएगा ना, टू आएगा। ए इज ऑलवेज द टर्म विद इन द स्क्वायर वाला ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर का टर्म रहता है वो। स्क्वायर के अंदर जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट के अंदर का टर्म रहता है। ए इज टू। ओके, सो आई विल राइट इन दिस वे, टू टू log modulus x plus 3 minus 2, x plus 3 plus 2, modulus over, let's put this bracket 2 and 1, 1 upon 4 को bracket के बाहर लिखता हूँ, चलेगा ना, उसका क्या काम है अपने साथ, 2 and 1, x plus 1, x plus 5, चलो इतना क्लियर है क्या? यहाँ पे अपॉन डी वाई डी एक्स लिखना भूल गया मैं, लेट मी राइट दैट डाउन। लेकिन मैंने आपको सिखाया ही ऐसा है कि यू नो इसका डेरिवेटिव हमेशा वन आएगा। तो हाफ इंटू कोएफिशिएंट वाला प्रॉब्लम में अगर आपका ये रह भी जाता है ना तो टेंशन नहीं लेने का, वो हमेशा वन ही आएगा। सब जगह पे नहीं है, नहीं तो बोलोगे सब जगह पे ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाला प्रॉब्लम्स मैंने आपको सिखाया ही वो मैनर में। ओके, डन। अभी देखो अरेंजमेंट कैसे करता हूं मैं। नाउ इट इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल, सिंपल है लेकिन थोड़ा ध्यान दो। शॉप राइटिंग, कर्ली ब्रैकेट, पुट अ बिग बॉक्स ब्रैकेट, माइनस बिग बॉक्स ब्रैकेट, चलेगा ये? समझा अरेंजमेंट? समझा? एक्स को एनसर्कल करो, एक्स को पेंसिल से एनसर्कल करो। ओके, पहला बॉक्स ब्रैकेट में, फर्स्ट बॉक्स ब्रैकेट में एक्स के जगह पे क्या लिखू? व्हाट शुड आई राइट इन द फर्स्ट बॉक्स ब्रैकेट एक्स के जगह पे? सिर्फ न्यूमरेटर को कि डिनोमेटर को भी? दोनों को लिखना पड़ेगा। ओके, इतना तो कॉमन सेंस है। फर्स्ट बॉक्स ब्रैकेट, जिधर जिधर एक्स दिखता है वहां पे आएगा अपर लिमिट। सेकेंड बॉक्स ब्रैकेट, वेर एवर देर इज एक्स पुट लोअर लिमिट, एक्स की जगह पे वन आएगा। समझा कि नहीं समझा? चलो कॉपी करो। How it became minus? Box minus box ही रहता है ना हमेशा। अपर लिमिट लोअर लिमिट डालने के टाइम पे बीच में माइनस ही आता है ना, ये तो चौथा प्रॉब्लम है। इसके लिए सानिया यू ऑलवेज हैव टू स्टे अलोंग विथ मी। आप खत्म कर देते हो पहला पूरा प्रॉब्लम और बाद में मेरे को पूछते रहते हो कि ये क्या आएगा वो क्या आएगा। थोड़ा मेरे साथ रहो ना, मैं जल्दी खत्म होने के लिए मैं किसी को प्राइज नहीं देता हूं। जब भी बोलता हूं आगे बढ़ू तो भी आगे बढ़ लेने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाफ ऑफ द टाइम्स योर आंसर इज रॉन्ग। प्लस फाइव माइनस नाइन कितना होता है? ये मैंने डिस्कस किया भी। आई डिस्कस दिस विद एवरीवन। अरे बाबा, आई डिस्कस दिस विद एवरीवन। Haven't I discussed this? ये मैंने सब लोग बोलो प्लस फाइव माइनस नाइन, ये मेरा वर्ड्स था कि नहीं? फिर भी आप आर्ग्यू कर रहे हो।
प्लस फाइव माइनस नाइन, माइनस फोर रहता है। तो माइनस फोर को मैंने क्या लिखा, टू स्क्वायर, माइनस ये वाला माइनस इधर आया, फोर को मैंने टू स्क्वायर लिखा, देन टू योर टेलिंग मी प्लस टू स्क्वायर लिखो। ध्यान दो ना, जब भी मैं कोई भी चीज सिखाते रहता हूँ उसके ऊपर पहला ध्यान दो, आगे बढ़ के क्या करने का है। बाकी का भी बच्चा लोग रहता है ना मेरे साथ, आप भी रहो, आपको भी अच्छा लगेगा सब। ओके गाइस, सो आई वाज हियर, यहां तक क्लियर है ना? आगे बढ़ू क्या, शुड आई प्रोसीड? वन बाय फोर लॉग, पहला फ्रैक्शन कितना आएगा, थ्री बाय सेवन करेक्ट, सेकेंड फ्रैक्शन कितना आएगा, वन बाय थ्री, टू बाय सिक्स इज वन बाय थ्री करेक्ट, टू बाय सिक्स लिखो या वन बाय थ्री लिखो, वन एंड द सेम थिंग। चलो टू बाय सिक्स लिखता हूँ, 2 by 6 लिखते हो, ओके, और इसको फिर हम लोग 1 by 3 लिखते हैं, 1 and the same thing, ओके, modulus negative value निकाल देते हैं ना, तो 3 by 7 already positive है, ओके, what is log a minus log b, log a minus log b क्या होता है, log a upon b ना, मतलब a divided by b ना, ये समझा क्या ये तुम लोग को, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b, ठीक है, सो 1 बाय 4 log 3 बाय 7 इंटू 3 बाय 1, 3 3 कैंसिल बोल रहा है कोई तो, log 9 बाय 7, log 9 by 7, चलो समझा गया, सो यू आर आस्किंग मी टू कैंसिल दिस एंड दिस, ये दोनों को कैंसिल करने को बोल रहे हो, आप ही बोलो ये कैसे पॉसिबल है यार, शे वेरी बैड, एब्सोल्युटली वेरी बैड, डिवीजन बनता है मल्टीप्लिकेशन, वन बाय थ्री का बनेगा थ्री अपॉन वन, I didn't see division sign. तो देखो देखो जो मैं लिखता हूँ वो देखो, ये देखने के लिए हित, आप आपको डाउट है क्या कुछ अलग, मैं आपका चैट मिस किया मैंने आपका, हाँ बोलना बोलना, I'll help, don't worry, डालो, what happened? अरे देख भाई सुन, मैंने ये बोला भी, इसका आंसर 3 बाय 7 है बराबर, तो मॉडुलस ऑफ 3 बाय 7 कितना रहता है, थ्री बाय सेवन, इसके लिए मैंने नेक्स्ट स्टेप में मॉडुलस निकाल दिया, डाउट है अभी भी, डाउट है
ये समझा क्या? 3/7 मॉड्यूलस में था, नेक्स्ट स्टेप में मॉड्यूलस निकालने का जरूरत नहीं है, तो लॉग 3/7 लिखा मैंने। हाँ तो बात खत्म कर ना, उसके आगे क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो? ओके, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज, डोंट थिंक अबाउट मेनी थिंग्स एट अ टाइम। गाइस, हैव यू अंडरस्टूड दिस? थोड़ा सा वो हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाला कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गया। ए ए पापा, ये सबको पता है ना, डिवीजन का बनता है मल्टीप्लिकेशन। ओके, नहीं पता है तो फिर मेरे को बोलो, मैं ये चैप्टर खत्म करने के बाद मैं निकल जाता हूँ। आस्क समवन एल्स टू टीच। ओके, डन, ठीक है। नहीं, संस्कार वो इजी है, टेंशन मत ले, सिखाने के बाद इजी लगेगा। आज तो मुझे बहुत कुछ सिखाने का था, लेकिन थोड़ा सा एक सेवेंथ और एथ प्रॉब्लम करके आई थिंक आई विल हैव टू वाइंड अप, बिकॉज थोड़ा सा एक इमरजेंसी आया है मुझे, तो मुझे लेक्चर जल्दी खत्म करना पड़ रहा है। सो आई जस्ट कंप्लीट सेवेंथ एंड एथ प्रॉब्लम एंड आई विल वाइंड अप द क्लास। ओके, या क्वेश्चन नंबर 7, 0 to a, 2x+1 dx इक्वल टू 2। जीरो टू ए 2x+1 dx इक्वल टू 2, ये 2 क्या है? ये 2 फाइनल आंसर है, बराबर है कि गलत है? दिस 2 इज द फाइनल आंसर, एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? ओके, शायद राइट, शायद वाइट, कुछ नहीं रे बाबा, राइट है वो, 100% राइट है। ओके, सो इंडिविजुअल इंटीग्रेशन 2x dx 0 to a 1 dx 0 to a इक्वल टू 2, 2x dx, और यहाँ पे एक्स रेस टू, चलो वो बाद में कर देते हैं हम लोग। इतना समझा क्या? लेफ्ट हैंड साइड पे इंडिविजुअल इंटीग्रेशन। क्लियर है? अभी 2 को बाहर, यहाँ पे 2 को बाहर लिखता हूं मैं, 2x^1 0 to a बराबर है क्या? प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 को मैं x लिखता हूँ, चलेगा? ओके, 2x^2 0 to a प्लस बॉक्स माइनस बॉक्स, ये चलेगा क्या? ये चलेगा? फॉर दिस पार्ट आई हैव गिवन दिस बॉक्स माइनस बॉक्स, इज दैट ओके गाइस? और ये x^n किया मैंने, x^2, x^2, आई विल कैंसिल दिस 2 एंड 2, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है। ओके, यहाँ पे क्या लिखूं मैं इन द फर्स्ट बॉक्स? व्हाट एम आई सपोज टू राइट? ए लिख लेता हूं मैं। ओके, और सेकंड बॉक्स में 0,
वेरेवर देर इज एक्स, वेरेवर देर इज एक्स पहले अपर लिमिट ए आया, वेरेवर देर इज एक्स बाद में लोअर लिमिट जीरो आया और बीच में माइनस साइन. इतना क्लियर है क्या? ठीक है चलो कॉपी करो इतना. ठीक है ये जल्दी कॉपी कर यार, कितना टाइम तेरे को लास्ट लाइक चाहिए. होने के बाद बोल देना. गाइस इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये स्लाइड क्लियर है क्या सब लोग के लिए? Yes, I'll wait. Don't worry. I have to make this the last problem. ये होने के बाद बता दो आप प्लीज. ओके सो यहां पे मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर ए एन जीरो और यहां पे ए लिख देता हूं, चलेगा? आई एम राइटिंग मोर स्टेप्स, बहुत स्टेप्स लिख रहा हूं सो दैट यू पीपल डोंट गेट कंफ्यूज्ड. जितना ज्यादा होता है उतना स्टेप्स लिख के देता हूं so that it becomes more systematic. Okay, then here it will become box minus box. Chalega? Two hai kya aage? One second. Two to cancel ho gaya na? Ye two aur ye two cancel ho gaya na? Okay. Pehla bracket mein kya aayega? A square. जीरो स्क्वायर, ए स्क्वायर जीरो स्क्वायर. ठीक है सो ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू टू, ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू टू, ए स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर ना. को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ नेक्स्ट स्टेप में. सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक एंड फिनिश द आंसर. ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करो और ए का वैल्यू मिल जाएगा, दो दो वैल्यूज आएंगे ए का. इफ वी आर एबल टू फैक्टराइज, फैक्टराइज करना पॉसिबल है तो वील गेट टू टू रियल वैल्यूज. चलेगा? ठीक है, यू कैन सॉल्व इट एंड वेरीफाई द प्रॉब्लम एट होम. ओके आई हैव टू अनफॉर्चुनेटली स्टॉप टुडेज क्लास राइट अवे. मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो फिर रियली सॉरी फॉर दैट. ठीक है, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके बाय एवरीवन, थैंक यू.